नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट सोल्यूशन डॉट कॉम पर। मैं माधव सक्सेना आज आपके सामने लेकर आया हूँ फोकस टाइप स्टूडियो बंडल की अनबॉक्सिंग। दोस्तों यही वो प्रोफेशनल स्टूडियो पैकेज है जिसके द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड प्रोफेशनल तौर पर की जाती है, और इस स्टूडियो बंडल में आपको एक इंटरफेस, एक हाई क्वालिटी का हेडफोन और एक प्रोफेशनल कंडेंसर माइक मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग और इसका टेक्निकल रिव्यूज। ये प्रोडक्ट हमारा आ चुका है और प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर किया है बजाओ डॉट कॉम से। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली प्लास्टिक की पॉली की रैपिंग में कम्प्लीट पैकेज पैकेट होकर आया है और इसकी 3 से 4 लेयर इस बंडल पर अच्छी तरीके से कवरिंग की गई है। इसके अंदर न्यूज़पेपर का भी जो है कवरिंग किया गया है ताकि बाहर से प्रोडक्ट दिखाई ना दे कि क्या प्रोडक्ट है। और कम्प्लीटली इसको रैप से खोलने के बाद में हमको एक स्टिकर बजाओ डॉट कॉम की तरफ से दिखाई देता है जिस पर इसका प्राइसिंग वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है क्या प्रोडक्ट है। और चारों तरफ अच्छे तरीके से बजाओ डॉट कॉम की सील के साथ टेपिंग की हुई है। इस सील को हम ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर से एक और बॉक्स इसमें ब्राउन कलर का हमको मिल रहा है जो कि कंप्लीटली पैक्ड है चारों तरफ से, जिसमें कि फोकस राइट की तरफ से एक स्टिकर लगा हुआ है स्केलेट 2i2 स्टूडियो सेकंड जनरेशन। साथ में कुछ बार कोड्स दिखाई दे रहे हैं और इस प्रोडक्ट के कोर कंप्लीटली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड बाई फोकस राइट स्टूडियो है। अब हम इसको और खोल कर देख रहे हैं, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्टिकर के अलावा। और इस कंप्लीट बॉक्स को ओपन करने के बाद जो मेन बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है वो है फोकस राइट का मेन बॉक्स, यानी कि इसकी 2 बार पैकेजिंग की गई है। तो इसमें आपका चारों तरफ इंस्ट्रक्शंस, कंपोनेंट्स, प्लगइन्स वगैरह की इमेजेस लगी हुई हैं और बारकोड्स हैं। कुछ साइट पर बहुत सारी लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ओके, अब जो हमारा कंप्लीट पैकेज ओपन हुआ है उसके साथ में ये फर्स्टली कंडेंसर माइक्रोफोन हमको मिल रहा है जो कि काफ़ी हैवी वेट है। काफ़ी हैवी वेट इसके साथ ये माइक्रोफोन है। इसमें XLR इनपुट दिया हुआ है, XLR केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने ऑडियो इंटरफेस से। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो दिया हुआ है इंटरफेस फोकसराइट का ऑडियो इंटरफेस। इसको हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिल्का जेली का पाउडर का अंदर पॉली के अंदर रखा हुआ है और इसको हटाते हैं तो इसके नीचे एक स्टिकर लिखा हुआ है जिसमें आपको एक कोड मिलेगा जो कि आगे आपको रजिस्ट्रेशन पे काम में आएगा। पीछे लाइन के लिए 2 इनपुट्स दिए हुए हैं, फोकस राइट ऊपर लिखा हुआ है जैसा कि ये साफ, 2 माइक के लिए, लाइन के लिए वॉल्यूम कंट्रोल, सेकेंड वॉल्यूम कंट्रोल एंड थर्ड आपका मास्टर वॉल्यूम के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, लाइन चेंज करने के लिए, आपका पावर 48 वोल्ट कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कि क्या इसके साथ में आया है। एक USB2 MIDI केबल दिया हुआ है जिसकी लेंथ लगभग 1 और 1.5 मीटर के आसपास है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रेड कलर का दिया हुआ है। इसके साथ में दिया है एक लगभग 3 मीटर का XLR केबल जिसको हम यूज़ करेंगे अपने माइक में, जो इसके साथ में दिया गया है। इस केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट जो हमारा है एक स्टैंड का क्लैंप्स का होल्डिंग का दिया हुआ है इसके साथ में,
जो उसको होल्ड करेगा माइक को, माइक स्टैंड के साथ में। इसके बाद में हमारा एक हेडफोन इसके साथ में आया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट टचिंग एंड अच्छी फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। और इसकी लेंथ जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी ये है कि इसकी जो पिन है वो काफ़ी 3.5 से बिगर वाली है, और दोनों ही इसमें मोड दिए गए हैं 3.5 mm और जो माइक का स्टीरियो पिन जो होता है। अब इस प्रोडक्ट के आ जाने के बाद हमारा काम है इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना। तो हम जाएंगे फोकसराइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, focusrite.com/register, और इस पर क्लिक करने के बाद जब हमारा न्यू पेज ओपन होगा वो एक फोकसराइट की तरफ से होगा, जहां पर हम अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहां पर अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी पासवर्ड, इन सारी चीज़ों को फिल करेंगे, अपना कंट्री और जो वहाँ पर सिक्योरिटी कोड आता है उसको फिल करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोकसराइट की वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसको रजिस्टर करना हमारा नेक्स्ट वर्क होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर योर प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे और अपना स्टूडियो बंडल का जो फोकसराइट स्टूडियो 2i2 सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारा स्टूडियो के इंटरफेस के बैक साइड में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है वो हमको वहाँ पर नेक्स्ट एंटर करना है। ये कम्प्लीटली एंटर करने के बाद में हम यहाँ पर गेट माई स्टफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना बंडल कोड टेक्स्ट करेंगे, जो कि हमारे बॉक्स पर एक स्लिप लगी हुई है वहाँ पर बंडल कोड हमको अंदर मिलता है। कंप्लीट बंडल कोड एड्रेस करने के बाद में हम अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ परचेजिंग डालेंगे, कहाँ से हमने परचेज़ किया है। मैंने परचेज़ किया है bazaar.com से, और कहाँ से हमको इसके बारे में पता लगा वो सबमिट करने के बाद में हम नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। जो नेक्स्ट हमारा रहता है इसके साथ में कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एडिक्टिव कीज़ इन ऑडियो का, तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। यहाँ पर जाकर हमको साइन अप करना होगा। इसमें हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चार प्रोडक्ट आ रहे हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। यहाँ पर हमको अपना मेल आईडी, नेम, पासवर्ड या कंट्री एग्रीमेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना कोड रिडीम करना है। और ये सब करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमको चाहिए। इसके बाद में ये कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा हो जाता है और इसे हम विंडोज़ के लिए या अपने मैक सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और इसके बाद आता है ऑडियो थिंक का प्लगइन, जो कि ओपन हो रहा है। इसमें भी हमें अपना अकाउंट साइन अप करना होगा और
इसके साथ साथ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिव्यू गाइड मिलेगी हमको पीडीएफ फॉर्मेट में कि किस तरीके से हमको यूज़ करना है। इसका ड्राइवर यहाँ पर हमको मिलेगा जो कि हम सेव कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑडियो थिंग में हमें अपना साइन अप करना है, पासवर्ड डालना है, और ये हमने अकाउंट अपना जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा यूज़र गाइड स्केलेट की जो है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे तीन तरीके के फिल्टर जो हैं ये हमको मिले हैं, जिसको हम अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एबलेटन का लाइव लाइट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिले हुए हैं, जिसमें एबलेटन, लाइव लाइट, प्रो टूल्स, फर्स्ट, फोकस राइट, क्रिएटिव पैक, एडिक्टिव कीज और सॉफ्ट ट्यूब का सॉफ्टवेयर भी हमको मिल रहा है इस स्टूडियो बंडल के साथ में, जिसे हम अपनी कंपोजिशंस रिकॉर्डिंग में यूज़ करेंगे। लाइव लाइट के मेल्स को पाने के लिए हमने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया है, और इसके सारे पैकेजेस हम वन बाय वन करके डाउनलोड करेंगे। इसका जो कंप्लीट सारे प्लगइन्स और सारी चीज़ें जितने इसके सॉफ्टवेयर्स आए हैं लगभग 12 GB के आसपास हैं, तो इसमें आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात इसके ड्राइवर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए ये रहेगी कि आपकी विंडोज़ पूरी तरीके से अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी विंडो अपडेट नहीं है तो विंडोज़ अपडेट करेंगे, उसके बाद में ही ये इसका फोकस राइट का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो पाएगा। सॉफ्ट ट्यूब की ओर से एक जो उसका प्रोफेशनल वर्ज़न है वो इसके साथ आता है, उसको कोड को हम जनरेट करके उसके सॉफ्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं।